धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर या बानर शरीर देह का फल है कि राम जी का भजन करो। रामा हरे राम, हे राम रामा, रामा हरे राम, हे राम राम, हे रामा हरे राम, हे राम रामा, रामा हरे राम, हे राम रामा, रामा हरे राम, हे राम रामा, राम हरे राम, हे राम रामा, हरे राम, हरे राम रामा, राम हरे राम, हे 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 राम रामा। दीन के दयालु प्रभु नाम तेरा गाएंगे, दीन के दयालु प्रभु नाम तेरा गाएंगे, के दयालु प्रभु नाम तेरा गाएंगे, तीनों के दयालु प्रभु नाम तेरा गाएंगे, हृदय में बिठा के तुम्हें प्रेम से झुलाएंगे, हृदय में बिठा के तुम्हें प्रेम से झुलाएंगे, हृदय में बैठा के तुम्हें प्रेम से झुलाएंगे, हृदय में बैठा के तुम्हें प्रेम से झुलाएंगे। रामा गोविंद भजे ही छवि धामा, रामा हरे राम, ही राम रामा, रामा हरे राम, ही राम रामा, रामा हरे राम, हे राम रामा, रामा हरे राम, हे राम रामा, रामा हरे राम, हे राम रामा। पापी हजारों तारे मैंने सुन पाया है, 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 तेरे गुणों का गान वेदों ने गाया है, तेरे गुणों का गान वेदों ने गाया है, हाँ तेरे गुणों का गान वेदों ने गाया है, तेरे गुणों का गान वेदों ने गाया है, राम राम।
दशरथ दुलारे यही अर्जी हमारी है। 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 बंदर भालू आज्ञा लेकर के चल दिए, परंतु सबसे अंतिम हनुमान जी ने प्रणाम किया और राम जी ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को ही दी कि ये मुद्रिका जहां पर सीता है वहीं पर देना, क्योंकि बानर तो बहुत बलवान थे परंतु मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम। राम जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वन में आकर के भगवान ने धर्म का पिता बनाया गीध को, धर्म की माता बनाई शबरी को, धर्म का भाई बनाया निषाद और सुग्रीव को, और धर्म का पुत्र बनाया हनुमान जी को। पर पुत्र के लिए जब तक माता की स्वीकृति नहीं है तब तक पुत्र स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि ये मां ही बतला सकती है कि ये किसका पुत्र है। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने तुझे पुत्र स्वीकार किया। राम जी ने कहा हनुमान पर सीता जब तुझे पुत्र कह देगी तब तुम पुत्र स्वीकार हो। तो हनुमान जी ने लंका में जाके 3 बार मां कहा, राम दूत मैं मां तू जान के और सत्य शपथ करुणा निधान। एक बार मां कहा, दूसरी बार यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी और दीन राम तुम कहां सही। और तीसरी बार कि अब ही मां तू मैं जाऊं लवाई और प्रभु आयुष नहीं राम दुहा। जब 3 बार मां मां कहा तो जानकी जी का हृदय पिघल गया। बोले ये मेरा पुत्र है तो इसे ऐसा कर दूं कि जो इसका कोई कुछ बिगाड़ न सके। तो माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अजर अमर
गुण निधि सुत हो करही बहुरे रघुनायक छू। हमारा पुत्र अजर हो अमर हो, न आग उसे जला सके, न जल डुबा सके, न अस्त्र शस्त्र उसका भेदन कर सके, और श्री राम जी सदैव उसके ऊपर कृपा करे। तो इसलिए अन्य बानर को अंगूठी नहीं दी, सीता जी के पास हनुमान ही जाएगा, माता के पास जाने का अधिकार पुत्र को है, इसलिए पहले ही अंगूठी दे दी। और हनुमान जी मुद्रिका लेके चले, और देखो वर्षा तो समान रूप से होती है, परंतु ये पानी इकट्ठे होने के स्थान पर है कि वो कितना इकट्ठा करता है। इसी प्रकार गुरु और उपदेशक सबको समान रूप से शिक्षा देते हैं, पर पात्र के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण करे। जब बंदर चले, प्यास लगी, हनुमान जी ने विवर खोजा, विवर में प्रवेश किया, स्वयं प्रभा मिली, और उसने कहा कंदमूल फल खाओ, पर इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। तो कहा हम तो राम कार्य के लिए आए हैं। तो बोले अपने अपने नेत्र बंद कर लो, बाहर हो जाओगे। जब बानरों ने नेत्र बंद किया, समुद्र किनारे पहुंच गए, वहां संपाती नाम का गीद मिला जो इनको खाना चाहता था। परंतु जब राम दूत सुना और अपने भाई की करनी सुनी कि मेरे भाई ने राम कार्य में प्राण त्याग दिए, तो उसके मन में भी वैराग्य आ गया और बोले मैं इनको सीता जी दिखा दूं। तो गीद कहता है देखो समुद्र के बीच में त्रिकूटाचल पर्वत है, त्रिकूटाचल पर्वत में सोने की लंका नगरी है और उसमें अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में श्री सीता जी समी वृक्ष के नीचे रुदन कर रहे हैं, तो इसमें जाएं कैसे। तो उसने एक मंत्र दिया था, और ये नहीं कि अकेले हनुमान जी को दिया, क्या ऐसे बलवान केवल हनुमान जी थे जो समुद्र लांग सकते थे? नहीं, हनुमान जी से भी बड़े बड़े विशाल वानर थे, पर गीध ने जो मंत्र दिया सारे वानरों ने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, और अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा, निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा, निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा, निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा ये संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा मेरी संशय कछु फिरती बारा, जरठ भयउ अब कहरि क्षेषा नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा, जरठ भयउ अब कहरि क्षेषा नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। कोई बंदर कहता है मैं 20 योजन समुद्र में छलांग लगा सकता हूं पर पार नहीं जा सकता, कोई कहता है 50 योजन, कोई 60, कोई 70, और कोई कहता है मैं 100 योजन चला जाऊंगा पर लौट के नहीं आ सकता, और कोई कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो चला जाता। हनुमान जी ने एक भी बार नहीं कहा कि मैं इतना चला जाता। जब जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लग तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। और
हनुमान जी से बड़े बड़े बंदर लांगने में असमर्थ हो गए, हनुमान जी कैसे चले? हनुमान जी ने संपाति के मंत्र को याद रखा। संपाति ने क्या कहा था कि आप में से वही बंदर समुद्र को लांगेगा जो राम जी को हृदय में धरेगा। राम हृदय धर करो उपाई, राम जी को जो हृदय में बिठा लेगा वही समुद्र लांग सकता है, न बलवान न कमजोर न छोटा न बड़ा। और सब बंदरों ने इसे सुना पर गीध की बात माननी नहीं, बोले गीध तो जाने क्या कह रहा है, समुद्र पार ही तो जाना है, तो अपना अपना बल लगाने लगे। किसी ने भी राम जी को हृदय में नहीं बिठाने की सोची और हनुमान जी ने गीध की बात को माना। बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी। और अपना बल लगाने वाले जिन जिन डर से डर रहे थे उन सारे डरों को हनुमान जी ने मिटाया। अंगद को डर था कि समुद्र के बीच में ये पर्वत पड़ेगा, मेरा पैर यदि उस पर्वत पर पड़ा तो मैं पाताल में चला जाऊंगा। 30 योजन ऊंचा, 30 योजन चौड़ा, 30 योजन लंबा, इस पर्वत पर यदि अंगद जी का पैर आता तो पर्वत के सहित पाताल में चले जाते। और हनुमान जी ने क्या किया, उसी पर्वत पर उछले और एक पैर मारा उस पर्वत में और फिर उछल गए। जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंतार। जिम अमोग रघुपत करवाना यही भाव चले ओ हनुमाना, जिम अमोग रघुपत करवाना यही भाव चले ओ हनुमाना। चलने धी रघुपत दूत विचारी, चलने धी रघुपत दूत ते में नाक होए श्रम भारी, ते में नाक होए श्रम भारी। समुद्र ने देखा हनुमान जी राम कार्य को जा रहे हैं तो मां पार्वती के बड़े भाई मेनाक जो पर्वतों के राजा थे, ये मेनाक मैया पार्वती का बड़ा भाई है, मैना से उत्पन्न। तो इंद्र ने संसार के सारे पर्वतों के पंख काट दिए थे पर इस मैनाक को पवन देव ने समुद्र में सुरक्षित रख दिया जिससे इसके पंख बचे थे। ये पर्वत समुद्र में डूब भी जाता था और समुद्र के ऊपर भी आ जाता था और इसमें इतनी भोग विलास की सामग्रियां थीं कि बड़े बड़े गंधर्व यक्ष विद्याधर देवता अपनी अपनी पत्नियों के सहित यहां विहार करते थे। आज की भाषा में उसे हिल स्टेशन कहा जाएगा। तो समुद्र ने कहा कि इसके विहार स्थल पर हनुमान जी थोड़ी देर विहार कर लें, पर याद रखिए जिसे राम कार्य करना है ना उसे भोग विषय में नहीं पड़ना चाहिए। यहां से लोग बद्रीनाथ जाते हैं कि भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, लेकिन वहां पहाड़ी सुंदरता में बद्रीनाथ को अपवित्र कर देते हैं, मदरा पान करते हैं, होटलों में भोग विलास करते हैं, तो उनको बद्रीनाथ का दर्शन होगा? यहां से लोग केदारनाथ जाते हैं मन में भावना लेके कि हम केदारनाथ का दर्शन करेंगे, लेकिन वहां पिकनिक मनाते,
तो क्या केदारनाथ का दर्शन मिलेगा? प्रलय ही आएगी, कभी पहाड़ गिरा कभी वर्षा आ गई। देव भूमि पर जाओ, शुद्ध मन से जाओ तो देवता का दर्शन होता है। हनुमान जी किसके दर्शन के लिए जा रहे थे? सीता जी की दर्शन के लिए। और सीता जी के दर्शन के लिए जाने वाला व्यक्ति यदि बीच में भोग विलास करने लगे तो क्या शक्ति का दर्शन मिलेगा? लोग वैष्णो माता के पास जाते हैं, केवल पत्थर की पिंडी देख के चले आते हैं, क्योंकि रास्ते में बढ़िया परांठे खा रहे हैं, बढ़िया माल खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और यदि शुद्ध भावना से जाओ तो उसी पर्वत पर माता तुमको सिंह पर विराजमान होके दर्शन देगी। तो समुद्र ने हनुमान जी के लिए भोग विलास परोसा मैनाक को, पर हनुमान जी ने छोटा सा उत्तर दिया। हनुमान ते ही परास कर, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। जिस देवी देवता का दर्शन करने जाओ, जब तक उसका दर्शन प्राप्त न हो जाए तब तक भोग की कामना मन में भी नहीं आनी चाहिए, और न किसी का डर। सुरसा आई, बोले बंदर तुझे खाऊंगी। बोले नहीं खा सकती, क्योंकि मेरा सत्य संकल्प है। याद रखो, यदि आप किसी अच्छे काम का, धार्मिक काम का संकल्प ले लो और उस पर दृढ़ता से हो, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा मृत्यु भी आपको नहीं छू सकती। मन में सोच लो हम 9 दिन रामायण सुनेंगे और दृढ़ रहो तो 9 दिन कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हनुमान जी का संकल्प था कि मैं राम जी का कार्य करूंगा, मैया का दर्शन करूंगा। तो सुरसा आई, बोले बंदर तुझे खाऊंगी। बोले मैया मैं राम जी का काम कर लू, सीता जी का समाचार सुना दूं फिर खा लेना। बोले नहीं नहीं पहले खाऊंगी। तो बोले पहले तो तू नहीं खा सकती। मुंह खोला, हनुमान जी उससे दुगने हो गए, 16 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी 32 के हो गए। जब 32 का मुंह खोला तो हनुमान जी 64 के हो गए। तो इसने पूरा मार्ग ही रोक दिया, 100 योजन का मुंह बनाया। बोले अब किधर से निकल के जाएगा? हनुमान जी ने धैर्य नहीं खोया, छोटे से हो गए, मुंह के रास्ते अंदर गए और कान के रास्ते बाहर आ गए। बोले ले खा लिया तो आशीर्वाद निकला। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो। अब लंका में रावण ने बड़ी चतुरता की थी। जब रावण ने मस्तक काटे तो लिखा था कि मनुष्य के हाथ से, बंदर के हाथ से मृत्यु होगी, और एक बंदर आएगा लंका को जला देगा, तब समझ लेना कि राक्षसों के वध का समय आ गया। तो रावण ने लंका के बाहर बड़ा सुंदर बगीचा लगाया चारों ओर, और बड़े सुंदर सुंदर फल लगाए, लेकिन वो सब फल जहर के फल थे, देखने में सुंदर और कोई खा ले। बोले समुद्र पार करके बंदर आएगा और बंदरों को फल बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ही बंदरों की सेना आएगी इसके फल खाएगी सब मारे जाए। पर हनुमान जी उस वन में मोहित नहीं हुए। तहां जाए देखी वन शोभा, तहां जाए देखी वन शोभा, चंचल
एक मान लोहा नानक चंच एक मान लोहा नाना कर फल फूल सुहाए नाना तर फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए खग मृग वृंद देख मन अनेक प्रकार के फल और फूल हैं मन को मोहित कर रहे हैं पर हनुमान जी उसमें मोहित नहीं हुए बोले राम कार्य करना है तो उन बगीचे से छलांग लगाई और सीधे पर्वत पर चढ़ गए जो कि लंका से ऊंचा था और वहां से भीतर देखा कहां से निकलने का रास्ता है कहां फंसने का रास्ता है कहां सेना रहती है इसको कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम किसी भी जगह जाने के पहले उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कर लिया बोले राम जी सेना लेके आएंगे तो कहां से प्रवेश होगा रावण कहां कहां सेना लगा सकता है सारी भौगोलिक स्थिति हनुमान जी ने गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी कहि न जाय अति दुर्ग उस पर्वत से ही हनुमान जी ने सारी लंका नगरी को देख लिया और उतर के आए और छोटा रूप बनाया अतिलग रूप बोले किसी भी जगह जाओ पहले छोटे बन के जाओ हम कुछ जानते ही नहीं है लोग कहेंगे ये कैसा व्यक्ति आ गया पर वहां के लोगों के प्रभाव को जान करके फिर अपना विस्तार करो कनक भूद्राकार शरीरा तो हनुमान जी एकदम छोटे बन के गए फाटक के नीचे से निकल के लंका में प्रवेश कर लिया अब लंका की देवी लंकनी आ गई बोले बंदर कहां जा रहा है उसकी आंख बहुत तेज बोले आपको दिख नहीं रहा देवी जी हम अंदर जा रहे हैं बोले नहीं तू जानता है मैं कौन हूं बोले आप कोई भी रहो बोले यहां का चोर मेरा भोजन है हनुमान जी बोले देखो देवी जी आपकी और सब बात अच्छी लगी पर झूठ बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है आप झूठ नहीं बोलती तो हम आपको प्रणाम करते आपको माला पहनाते लेकिन आपने हमारे सामने झूठ बोल दिया कि चोर आपका भोजन है तो सबसे बड़ा चोर तो रावण बैठा है आज तक आपने उसे क्यों नहीं खाया बोले अब झूठ का परिणाम लो मुठका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धनमानी मुठका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धनमानी अपनी संभार उठी सो लंका जो पान कर विनय सखंका मुनि भारी उठी सो लंका जो पान कर विनय सखंका एक मुक्का पड़ा मुंह से निकला रक्त और लंकनी हो गई विरक्त सारा ज्ञान लौट के आ गया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तात मोर अति पुण्य बहुता तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता देखे नयन राम कर दूता हे हनुमान जी मेरा बहुत बड़ा पुण्य है जो अपनी आंखों से राम जी के दूत आपका दर्शन किया और देखो लंकनी का एक अनुभव तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग स्वर्ग का अपवर्ग का सुख तराजू के एक पड़ले पे रख दो
और एक क्षण के सत्संग का सुख एक पड़ले पर रखो। जो सुख सत्संग में है वो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख में नहीं है, एक लंकनी राक्षसी कह रही है। क्यों? ये किसकी सेविका थी? जिसने स्वर्ग को भी जीत लिया था, अपवर्ग को भी जीत लिया था। ये स्वर्ग में भी गई, अपवर्ग में भी रही, पर जो सुख इसे एक क्षण में हनुमान जी के दर्शन से मिला वो न स्वर्ग में मिला न अपवर्ग में। और ये सत्य है कि यदि सच्चा संत का एक क्षण का संग मिल जाए तो हजारों वर्ष की तपस्या से ज्यादा है। एक बार महर्षि विश्वामित्र गुरु महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए अपनी शिष्य मंडली के सहित। वशिष्ठ जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया विश्वामित्र जी का। चलते समय विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप इतने बड़े ऋषि होके हमारा सम्मान किया है, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते। वशिष्ठ जी बोले, नहीं संतों में ये परस्पर नहीं चलता है। बोले, नहीं हमारी श्रद्धा है, हम कुछ भेंट देना चाहते। वशिष्ठ जी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो विश्वामित्र बोले, हम 1000 वर्ष की तपस्या का फल आपको देना चाहते। वशिष्ठ जी बोले, ठीक है। कुछ दिन के बाद वशिष्ठ जी गए अपने शिष्यों के सहित विश्वामित्र जी के आश्रम, और विश्वामित्र जी ने भी बड़ी सेवा की। चलते समय वशिष्ठ जी बोले, महर्षि हम भी आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब मैंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया है तो ये तो बहुत बड़े ऋषि हैं, कुछ ज्यादा ही देंगे। तो बोले, महाराज वैसे तो आवश्यकता नहीं है, पर आप दे रहे हो तो दे दो। तो वशिष्ठ जी बोले, हम एक क्षण के सत्संग का फल आपको देते। अब तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। बोले, देखो ये हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, हमने इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और ये हमें एक क्षण के सत्संग का फल दे रहे हैं। क्रोध को नहीं रोक सके। बोले, महाराज इससे अच्छा तो मत दो, इतनी हंसी उड़ा रहे हो हमारी। बोले, नहीं नहीं, 1000 वर्ष की तपस्या से एक क्षण का सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हुआ। बोले, इसका निर्णय कराएं। तो बोले, चलो शेष जी तपस्या भी करते हैं, निरंतर पृथ्वी को धारण करते हैं मस्तक पर, और शेष जी 1000 मुंह से सत्संग भी करते। तो शेष जी बतलाएंगे कि 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या एक क्षण का सत्संग बड़ा है। जब दोनों शेष जी के पास गए तो शेष जी ने कहा, भाई मैं निर्णय तो करूं, पर मेरे आगे एक समस्या है। मेरे मस्तक पर ये पृथ्वी का भार है, ये थोड़ी देर के लिए हट जाए तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और बोले, हमें 1000 वर्ष की तपस्या का फल देते हैं, ये पृथ्वी शेष के मस्तक से ऊपर उड़ जाके स्थिर हो जाए। पृथ्वी नहीं उठी। फिर वशिष्ठ जी ने जल लिया, बोले, हम एक क्षण का सत्संग का फल देते हैं, ये पृथ्वी ऊपर उठ के स्थिर हो जाए। पृथ्वी ऊपर उठ गई और स्थिर हो गए। शेष जी बोले, अब भी कुछ बताना बाकी है? 1000 वर्ष की तपस्या के फल से पृथ्वी नहीं उठी न स्थिर हुई, और एक क्षण के सत्संग से पृथ्वी ऊपर उठ के स्थिर। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा, निमिष दंड भर एक बारा, सत्संगत दुर्लभ संसार। मेरे राम मेरे राम, जय जय राम प्यारे राम।
सबसे दुर्लभ है सत्संग मिलना। कुसंग तो विष की तरह तीव्र असर करता है, जैसे विष पियो एक क्षण में असर आ जाएगा, ऐसे ही खोटी संगत बैठो एक क्षण में असर आ जाएगा। पर सत्संग तो पहले मिलेगा ही नहीं, और मिलने के बाद उसके प्रभाव को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए लंकनी हनुमान जी से कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव। प्रभश नगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशल पुर राजा। प्रभश नगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशल पुर राजा। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहाँ तक अगणित जो चित्र कही जात सुना आही। यदि गया गजानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना आही। रामा शयन किए देखा कपिते, मंदिर मान दीख वै दे। शयन किए देखा कपिते, वो स्वामी जी ने राक्षसों के घरों को मंदिर बतला दिया। संत की भाषा बोले, हनुमान जी अपने हृदय में राम जी को लेके जिस जिस घर में गए वो घर नहीं रहा, मंदिर हो गया। दूसरा, राक्षसों से पहले यहां यक्ष रहते थे, तो उन्होंने हर घर में शंकर जी का मंदिर बना रखा था, और इन राक्षसों ने मंदिरों को खंडित कर दिया और अपने घर बना लिए थे। पर संत की भाषा में वो आज भी मंदिर थे। दशानन के महल में हनुमान जी गए रात्रि के समय, और यहां कामदेव को मेरे हनुमान जी ने परास्त कर दिया। 14,000 पत्नी रावण की सो रही थी, एक दो नहीं 14,000। कोई कपड़े पहने थी, कोई नहीं पहने थी, किसी के मुंह में पान था, किसी ने सिंगार किया था, उतनी ही दासियां, उतनी ही नाचने वाली, सारी स्त्रियों के विचित्र भेष में अकेला रावण सो रहा था। और उस महल में हनुमान जी गए रात्रि के समय, और एक एक स्त्री का मुंह देखा कि ये सीता तो नहीं है, सीता तो नहीं है। परंतु मेरे हनुमान जी के मन में विकार ही नहीं आया, कामदेव मूर्छित हो गया। सेन किए देखा कपिते ही मंदिर महन दीख, वहां से वापस आ गए। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन बड़ा सुंदर लगा हनुमान जी को, उसमें शंकर जी का मंदिर अलग बना हुआ था, दरवाजे पर धनुष बाण तिलक और राम लिखा था। लंका में राम लिखा, विभीषण ने अपने घर के दरवाजे पर राम लिखा, राक्षसों ने रावण से चुगली की, महाराज सबसे पहले आपका भाई नियम तोड़ रहा है, अपने दरवाजे पर राम लिखा है। रावण आया, विभीषण ये क्या हो रहा है? महाराज लंका नरेश क्या बात है? बोले तुमने दरवाजे पर शत्रु का नाम लिखा है? बोले कौन कहता है, हमने तो सूक्ष्म में लिखा रा से रावण और मां से मंदोदरी। बड़ा खुश हुआ, बोले देखो मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है। क्यों रे मूर्खो, भाई भाई को लड़ाना चाहते हो? चला गया।
फिर दरवाजे से कभी राम नाम नहीं हटा। बोलो विभीषण से ज्यादा समस्या है आप लोगों पे? और इस धनुष बाण और राम नाम लिखने का परिणाम कि जारा नगर निमिष एक माही और एक विभीषण कर ग्रह नाही। सारी लंका जल गई पर बचा एक विभीषण का घर। आज हम देखते हैं लोग बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों को बुलाते हैं, ये बाथरूम यहां से तोड़ दो, ये बेड की दिशा इधर बदल दो, लाखों रुपए इसी में बर्बाद करते रहते हैं और जो छोटा सा काम है वो किया नहीं जाता है। सबसे बड़ा वास्तु है कि अपने घर के दरवाजे से कोठी नंबर 420 हटा दो। लोग क्या लिखने लगे हैं आजकल? कोठी नंबर 420, कुत्ते से सावधान। इस सबको हटाओ। दरवाजे पर यदि राम जी के भक्त हो तो रामानंदी तिलक, धनुष बाण और भगवान राम जी का नाम लिखो। यदि श्याम सुंदर को मानते हो तो कृष्णानंदी तिलक, मोरपंख और मुरली, इसका चिन्ह लगाओ। शंकर जी को मानते हो तो त्रिशूल और डमरू लगा दो। जो आपका इष्ट है उसका चिन्ह दरवाजे पर लगाओ। फिर हम देखते हैं कि कैसे वास्तु उल्टा सीधा कर देता है। किसी वास्तु की सामर्थ्य ही नहीं होगी घर में प्रवेश करने की। जिस घर में तुलसी का पेड़ नहीं होगा उसमें भूत प्रेत आएंगे, पर जिस घर में तुलसी रहेगी वहां प्रेत की तो हिम्मत ही नहीं आने की। हाँ, जिस घर में गाय की जगह कुत्ता पलेगा तो कोई गारंटी नहीं, और जहां गाय हुंकार करेगी वहां कोई बाधा आ नहीं सकती है। लंका जैसी नगरी में भी विभीषण ने तुलसी का वृक्ष लगा रखा था। लंका जैसी नगरी में विभीषण ने राम नाम लिख रखा था। रामा युध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराए। और दूसरा सूत्र कि राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। प्रातः काल उठते ही अपने भगवान का नाम लो मुंह से। जिसे ज्यादा नींद आती हो उसके लिए रामचरितमानस और भागवत जी ने ये सूत्र दिया है कि रात को हाथ पैर धो करके अपने भगवान का नाम लेके सो जाओ। मोबाइल का स्विच ऑफ कर देना, नहीं तो समाधि टूट जाएगी। बोलो जय सीताराम। हाथ पैर धो के भगवान का नाम लेके सो जाओ और सुबह सबसे पहले जब उठो तो मुंह से भगवान का नाम लो, तो जितनी देर सोओगे उतनी देर की समाधि का फल मिलेगा, सोने का पाप नहीं लगेगा। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज मुचकुंद श्रीमद भागवत में वर्णन है, त्रेता से सोए थे सतयुग से, और द्वापर के अंत तक सोते रहे। कुंभकर्ण क्या सोएगा बेचारा, परंतु भगवान का चिंतन करके सोए थे। और जब उठे तो जो विकार था उससे काल यवन जल गया और सामने भगवान का ही चिंतन किया तो ठाकुर जी सामने। इसलिए सोते समय नाम लो और उठते समय नाम लो, तो जितनी देर सोओगे उतनी देर की समाधि का फल मिलेगा। और इसके बाद हनुमान जी विभीषण से मिले। पूछा, विभीषण इस लंका में कैसे भजन करते हो? तो देखो विभीषण क्या कह रहा है कि सुनहु पवन सुत
रहन हमारी। और जिम दस नन महा जीव बिचारी। हमारी रहनी ऐसे है जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। अब आप सबसे हम एक बात पूछते हैं कि जीव बिचारी है या दांत बिचारी है, बताइए। जीव बिचारी है जो दांतों के बीच में रहती है, या दांत बिचारे हैं, बोलो। अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, जीव बिचारी है या दांत बिचारे हैं? हैं जी, दांत है ना, क्योंकि बुढ़ापे में जीव नहीं टूटेगी। हनुमान जी समझ गए, बड़ा चालाक भक्त है। ये जितने भी दांत हैं सब टूट जाएंगे, राक्षस बचेगी क्या? रहीमदास जी ने इसे स्पष्ट लिख दिया, रहिमन जिभ्या बावरी, रहिमन जिभ्या बावरी, स्वर्ग को पाताल बतात, और आप तो मुंह भीतर घुसे सिर कह जूत खवा। अभी यहां किसी को गाली दे दो तो गाली तो देगी जीव और चप्पल पड़ेंगी सिर में। तो जिभ्या विचारी नहीं है, हनुमान जी समझ गए ये भक्त बहुत चालाक है, यही बचेगा। बोले ठीक है, अब बताओ माता जी कहाँ रहती हैं, कैसे जाना है? तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले हु पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। आते ही अवसर रावण कहावा, संग नार बहु किए बनावा। बहुविध खलसी तही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। बहुविध खलसी तही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। चरी करो मन मोरा, एक बार विलोक मम मोरा। सब अनुचरी करो मन मोरा, एक बार विलोक मम मोरा, एक बार विलोक मम मोरा। रावण ने कितनी बड़ी भूल कर दी, मंदोदरी बगल में खड़ी है और सीता जी से क्या कह रहा है कि मंदोदरी से लेके मेरी 14,000 रानी हैं, इन सबको तेरी दासी बना दूंगा, एक बार मुस्कुरा के मेरी ओर देख ले। बताओ मृत्यु का काम किया या नहीं किया? आप बगल में कह दो जरा, कथा सुनना भी भारी हो जाएगा। यहीं से रावण ने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली। मंदोदरी ने कहा, अच्छा मुझे दासी बनाएगा सीता की, ले अभी बताती हूं तुझे। ऐसा काम किया मंदोदरी ने कि रावण हाथ होते हुए भी टोंटा हो गया। बोलो जय सीताराम। रावण को भगवान शंकर ने चंद्रहास तलवार दी थी और इस चंद्रहास तलवार का प्रभाव था, भगवान शंकर ने कहा यदि मेरा मस्तक भी काटेगा तो ये काट देगी, विश्व का कोई अस्त्र शस्त्र इसे खंडित नहीं कर सकता है, पर यदि तैने किसी के लिए एक बार चंद्रहास उठाई और उसका मस्तक काटे बिना इसे वापस ले लिया तो ये निष्प्रयोज्य हो जाएगी, फिर ये कभी तेरे काम में नहीं आएगी।
और इसी स्थान पर मंदोदरी ने वो तलवार निष्प्रयोज कर दी। जैसे ही सीता जी ने कहा कि सो भुज कंठ के अरे तब असि घोरा सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। मैं तुझे नहीं देख सकती, मेरे गले में या तो रघुनंदन की हाथी के सूंड के समान भुजा पड़ेगी या तेरी ये चंद्रहास तलवार। तो जब सीता जी ने कहा कि तेरी ये चंद्रहास तलवार तो सुनत बचन पुन मारन धावा मैं तनिया कही नीत बुझावा। सुनत बचन पुन मारन धावा मैं तनिया कहनीत बुझावा। मैं तनिया कहनीत बुझावा मैं तनिया कहनीत बुझावा। जैसे ही जानकी जी ने कहा कि ये तेरी तलवार मेरे गले में पड़ेगी तो चंद्रहास उठा ली, अब तेरे मस्तक को काटता हूं। और मंदोदरी जी ने क्या किया, बोले नहीं नहीं वीर पुरुष स्त्रियों पर बल नहीं चलाते, उस तलवार को वापस दिलवा दिया। परिणाम वो तलवार शंकर जी के पास चली गई, कहीं भी राम रावण युद्ध में रावण के हाथ में कार्य में ही नहीं आई, रावण को बलहीन कर दिया उसकी पत्नी मंदोदरी। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के सामने किसी पराई स्त्री की प्रशंसा मत कर देना। बोलो जय सीताराम, रामचरितमानस जीना सिखाती है। मंदोदरी ने चंद्रहास को निष्प्रयोज कर दिया। अब रावण के पास और अस्त्र शस्त्र थे, पर ऐसा अमोघ अस्त्र जो भगवान शंकर का रूप था वो आज मंदोदरी ने निष्प्रयोज कर दिया। एक महीने तक सीता को समझाओ, यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मस्तक काट दूंगा। किससे काटेगा, अब तेरे पास कुछ है जो काटेगा? विभीषण की पुत्री त्रिष्टा, राम जी के प्रति जिसका अगाध प्रेम था, राक्षसों से कहती है देखो सीता को मत डराओ, मैंने सपना देखा है। और ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए, हम बार बार कहते हैं लोगों से कि सपना मत देखो। रामचरितमानस में तीन सपने हैं और तीनों का फल अशुभ। पहला सपना भरत जी ने देखा, देखें रात भयानक सपना और जाग करहीं कटिकोटि कल्पना। परिणाम अयोध्या आए, अयोध्या सुनी मिली, दशरथ जी का निधन मिला, राम जी का वनगमन मिला। दूसरा सपना चित्रकूट पर सीता जी ने देखा, वहां राम रजनी अवशेषा और जागे सी स्वप्न अस देखा। राम जी से कहती है महाराज मैंने ऐसा सपना देखा है कि भरत जी आपके वियोग में आ रहे हैं और माताओं को मैंने इस सौभाग्य से हीन भेष में देखा। परिणाम हुआ कि तीनों माता विधवा भेष में चित्रकूट आई, भरत जी भी रोते हुए आए। और तीसरा सपना